मेरा नाम निर्भय कुमार ओझा है और इस वक्त आप मुझे साहेबगंज से NBT के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। झारखंड के 60-40 नियोजन नीति को लेकर झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने 2 दिवसीय बंदी बुलाया था, जिसको लेकर कल बंदी का पहला दिन पूरी तरह से सफल रहा और आज साहेबगंज में दूसरे दिन आप देख पा रहे हैं कि छात्र पूरी तरह से सुबह 5 बजे से ही सड़क पर निकलकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका एकमात्र मांग है कि झारखंड सरकार लयाई नीति को अविलंब परिवर्तित करे और नए नीति के साथ झारखंड के लोगों के साथ इंसाफ करे। अरे पेटुआ, हमारे साथ छात्र विजय कुमार जी हैं, जो अभी हम लोग को बताएंगे कि साहेबगंज में बंदी को लेकर क्या कुछ चल रहा है। बताइए विजय जी, कैसा तो चल रहा है आपका बंदी? 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं हम लोग साहेबगंज में, और यहाँ के जो है बहुत ही लोग सहयोग दे रहे हैं और हमारे साथ प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और अब लोग अपने से ही मार्केट बंद हैं, पूरी तरह से पूरा सहयोग मिल रहा है और ये नियोजन नीति चेंज होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग पूरा आज बंद, 2 दिन का बंद था, कल बंद रहा, आज पूरी तरह मार्केट बंद है। हमन सरन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमन सरन यहाँ झारखंड में ये 60-40 करना बंद करो। हम लोग इससे खुश नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे दूसरे मतलब बाहरी लोगों को यहाँ पे नौकरी दे रहे हैं और झारखंड में यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़ लिख के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ रह के। इसलिए मैं हमन सरन को बोलना चाहती हूँ कि आप ये 60-40 करना बंद करो, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। और आप अपने संथाल भाई बहनों को अपने भाषा में कैसे संदेश देंगे ताकि वो आपके संदेश को अच्छी से समझ सके? हर अपन इन नुआ मेन सना दिंगे ना, जे बोले जो तो हर बुन गोड़ आ रेली रे, जो तो हर संगे नुआ निया हुयो कना। झारखंड तो अब राज होना चाहिए, झारखंड तो ते इता बाहरी लोग तो बबुन बोलो चुका, अब झारखंड बिना नौकरी को ना बोचे बुन चिकाया। रहने वाला स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सोनाला मुर्मू हुआ, और जो आज आप लोग देख रहे हैं ये रैली या बंदी की तरह, ये हम लोग का जो 60-40 का नीति जो सरकार लागू की है उसी के चलते हम लोग ये रोड पे निकले हैं ताकि सरकार को होश में आए कि यहाँ के छात्र ये 60-40 नीति से खुश नहीं है। इसीलिए क्योंकि बार बार ये अब की बार ये 3 बार हो चुका है हम लोग को कि बार बार रोड में आना पड़ रहा है हम लोग को। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि क्योंकि झारखंड का जितना भी स्टूडेंट है पर कोई भी खुश नहीं है, इसलिए आप इस बात को समझिए और इस जो नियोजन नीति आपने लाया है इसको रद्द करने का प्रयास करें। थैंक यू। आपकी मांग क्या है? और मांग हमारी है ये कि जो हमारे 90-10 की आपका नीति है, आपका नीति वही लागू होना चाहिए। सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानेगी तो आप फिर क्या करेंगे? सरकार अगर मेरी मांगों को अगर पूरी नहीं करती है, अगर इस आधारित अगर बहाली करती है, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन छात्र उस एग्जाम हॉल पे सबका एडमिट कार्ड फाड़ दिया जाएगा। दूध वाला को रोक रहा, दूध वाला तो आवश्यक वाले। आप आ जाइए, पीछे पीछे जब भी पीछा तो स्टूडेंट की वही अक्सर है।